राजधानी इम्फाल समेत 3 जिलों में लगाया गया कर्फ्यू। बिजली, कोर्ट, हेल्थ के साथ मीडिया को दी गई कर्फ्यू से छूट। छात्रों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से की मुलाकात। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर हमारा शो। आज हम बात करेंगे मणिपुर के ऊपर। मणिपुर में हिंसा को देखते हुए राजधानी इम्फाल समेत 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। बीती रात महिलाओं ने ड्रोन हमले के विरोध में मशाल जुलूस निकाला था। वहीं सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने राजभवन पर पथराव कर दिया। बिगड़ती कानून व्यवस्था और हमलों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया। इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम के अलावा थौबल में कर्फ्यू लगा दिया गया। जानकारी के मुताबिक इन जिलों में अनिश्चित काल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दे दी गई है। इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिले में BNSS की धारा 162 को लागू कर दिया गया। DM के आदेश में कहा गया कि जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए 10 सितंबर को सुबह 11 बजे से कर्फ्यू लगाया जा रहा है। अगले आदेश तक ये लागू रहेगा। ज़रूरी सेवाओं जैसे कि बिजली, कोर्ट, हेल्थ के साथ मीडिया को कर्फ्यू से छूट दे दी गई। रिपोर्ट्स के कहा गया कि अगर DGP और सुरक्षा सलाहकार को हटाने के लिए स्टूडेंट्स बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाले हैं, ऐसे में 3 जिलों में प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया। वहीं स्कूल और कॉलेजों को सैकड़ों छात्र पूर्वी रात ख्वाइराम बांध के मार्केट में रुके रहे। महिलाओं ने उन्हें कैंप लगाने के लिए जगह भी दी। सोमवार को हजारों छात्रों ने मणिपुर सचिवालय और राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया था। हालिया हिंसा के घटनाओं में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई और 12 लोगों से ज्यादा घायल हैं। छात्रों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मुलाकात भी की। छात्रों के प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने सरकार से 6 मांगे रखी, इसमें DGP और सुरक्षा सलाहकार को हटाने की भी मांग शामिल है। वहीं छात्रों ने यूनिफाइड की कमांड को भी राज्य सरकार को सौंपने की बात की। फिलहाल इसका जिम्मा CRPF के DG कुलदीप सिंह के पास है। कंकपो कंपी जिले में 2 हथियारबंद समूह के बीच संघर्ष में फंस गई 46 वर्षीय महिला की जान चली गई। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी और उन्हें कहा कि घटना रविवार रात को सुदरवर्ती थांगबहू गांव में घटी। उन्होंने बताया कि गांव में कुछ मकानों में आग भी लगा दी गई, जिसे स्थानीय लोगों को पास के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने बताया कि महिला की पहचान नेमजा खोला लहुगडिम के तौर पर की गई। चुराचांदपुर गांव की अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। फिलहाल तो मणिपुर में हालात काफ़ी ख़राब दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसके लिए क्या करने वाला है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।